एग्जाम देने आए हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। चौक गए ना? बिल्कुल सही चौके आप। आपका चौक ना जायज है, क्योंकि जिसकी नजर पड़ी वो चौका। और सब सोचने पर मजबूर हो गए कि ये बच्चा दसवीं बोर्ड के परीक्षा केंद्र पर क्या कर रहा है। लोग भीड़ लगा करके देखने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि बच्चे के हाथ में एडमिट कार्ड जो देखा, तो सच बता रहा हूं मैं। लेकिन मैं आपको उस बच्चे से रूबरू कराता हूं, उसी से आप जानिए उसके बारे में। कहाँ पे है? एग्जाम देने आए हो? कितने साल के हो? 22 साल के हैं। कहाँ सेंटर पड़ा है? आरडीएस कॉलेज। इससे पहले एग्जाम नहीं दिए? इससे पहले एग्जाम नहीं दिए? काहे? अरे नहीं पढ़ते थे। अच्छा, कितने हाइट के, कितना हाइट होगा? अढ़ाई फुट का होगा। तो ये है इंद्रजीत कुमार, 22 वर्ष के हैं भाई, छोटे मोटे नहीं हैं। आपने तो सोचा होगा कि 8-10 साल का बच्चा होगा, परीक्षा केंद्र पर क्या कर रहा है, दसवीं की परीक्षा चल रही है। और सेंटर पर लड़के को देखा एडमिट कार्ड हाथ में लिए हुए, तो सबके मन में सवाल आया कि 8 या 10 साल का बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। तो मैं बताता हूँ कि इंद्रजीत पूरे 22 वर्ष के हैं और परीक्षा देने के लिए आए हैं। इनका कहना है कि पहले मैं पढ़ता नहीं था, लेकिन अब पढ़ रहा हूँ, इसलिए इस उम्र में परीक्षा दे रहा हूँ। लेकिन इनकी हाइट को देख करके कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये इतने उम्र के होंगे। ये बस 2.5 फीट के हैं और ये हैं मुजफ्फरपुर के रहने वाले। मुजफ्फरपुर में ही दसवीं बोर्ड का परीक्षा दे रहे हैं। तो अब तक के लिए बस यही तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।